दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार है ताकि लोगों को रेगुलर ट्रेन सर्विसेज दी जाए रियासी टू बारामूला। लेकिन इसका आपको बता दें इनॉग्रेशन जो है वो 15 अगस्त को हो सकता है। अगर सूत्रों की माने तो खबर ये आ रही है कि 15 अगस्त जिस दिन को पूरा देश जो है वो आज़ादी के रंग में रंगा होगा उसी दिन इस ट्रेन की शुरुआत हो सकती है और लोगों को ये सौगात जो है वो मिल सकती है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है एक सपना देखा था मेक इन इंडिया सपने के तहत जो है रियासी में सबसे ऊंचा रेल पुल इसकी शुरुआत की गई थी और ये रेल पुल जो है वो बनकर तैयार है, जिसकी काफ़ी बार जो है वो ट्रायल किया गया और ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिन्हें लेकर जो है अभी थोड़ी सी, जिस तरह से मैं बता दूं कि जो ऑफिशियल खबर हमारे पास पहुंची जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि लाइकली टू बी 15 अगस्त 2024 को ये पुल जो है वो लोगों को रेगुलर सर्विसेज के लिए सौंपा जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको बता दें कि बहुत बार इसका निरीक्षण हुआ है, बहुत बार जो है इसे टेस्ट किया गया है और मल्टीपल ड्राइव्स जो हैं वो इस पर कंडक्ट की गई हैं। चाहे आप माने कि जो सपना देखा था, सपने देखते वक्त इतनी बड़ी कल्पना नहीं हुई थी, लेकिन अगर आज आप देखें तो जम्मू कश्मीर में दुनिया का, आप सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो रेलवे ब्रिज है और ये किसी सौगात से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर वासियों को अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हम उस जम्मू कश्मीर में रहते हैं जहाँ पर दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे ब्रिज है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यानी आपको बता दें कि कश्मीर के हिस्सों को ये जोड़ता हुआ जो रेलवे ब्रिज है, सपना यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, सपना अभी बहुत दूर है। सपना यही है कि कन्याकुमारी से जो ट्रेन होगी वो श्रीनगर तक आएगी, यानी बारामूला को कनेक्ट करेगी। उस दिन ये सपना जो है वो पूरा होगा और आपने देखा कि डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। चाहे आप हाईवेज़ देखें, वहाँ पर जो है वो काम लगा हुआ है और किसी भी लिहाज में जम्मू कश्मीर पीछे नहीं है। जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ ग्रो कर रही हैं उसी तरह से हमारा भारत भी ग्रो कर रहा है और भारत में आने वाला जम्मू कश्मीर भी ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आपको खबर बताएं तो इंडियन रेलवे की तरफ से जो है यहाँ पर रेगुलर जो है वो ट्रेन सर्विसेज की सौगात जो है वो रियासी टू बारामूला दी जाएगी, जिसके लिए आपको बता दें कि हो सकता है 15 अगस्त, जिस दिन हर भारतवासी जो है वो आज़ादी के दिन को मनाएगा, जिस दिन हर भारतवासी जो है ये फ़ख्र महसूस करेगा कि हम इस भारत जो है जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इस दिन को मनाएंगे, उसी दिन जो है हो सकता है कि रेगुलर ट्रेन सर्विसेज आपको जो है वो रियासी टू बारामूला मिल जाए। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो ट्रेन है वो ट्रायल के लिए संगलदान से रियासी जो है वो बहुत बार कंडक्ट हो चुका है, यानी उसका ट्रायल रन, और ये सक्सेसफुल रहा है। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जो हैं उन्होंने काफ़ी बार बताया कि ये जो सेफ्टी ट्रायल्स हैं ये पूरी तरह से सक्सेसफुल है। इसीलिए अब जो ट्रेन है वो संगलदान से बारामूला जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और पहले भी ट्रेन जाती थी लेकिन अब ट्रेन जो है वो रियासी से बारामूला जाने वाली है और संगलदान से लेकर रियासी तक का ट्रैक पूरी तरह से तैयार है, जो ऑफिशियल कन्फर्मेशन है, और जो ऑपरेशनल ट्रेन है वो रियासी से बारामूला चलने वाली है। यानी आप लोग जो हैं ये देखिए कि अब कटरा से रियासी तक की जिस तरह से ट्रैक की बात करते हैं वो भी ऑपरेशनल है, जल्दी वो भी पूरा होगा और पूरा होने के साथ साथ तमाम लोगों को ये बड़ी बड़ी सौगातें जो हैं वो दी जाएंगी और काफ़ी बार ट्रायल रन इस पर जो है वो सफल रहा है। फिलहाल के लिए आप लोगों को ये सौगात मिलने वाली है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा भी उठाने वाले, जिन्हें फ़ायदा भी होगा, और कौन जो है वो जाकर अपनी फैमिली के साथ देखने वाला है। लेकिन जब आप इसे वीडियो में भी देखते हैं, फोटोज़ में भी देखते हैं, वाकई में बहुत खूबसूरत लगता है और कभी कभी हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है कि वाकई में जम्मू कश्मीर जो है वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।